रिस्क के सिलसिले में ये बात भी याद रहे कि अगर कभी रिस्क में तंगी हो रही हो तो हो सकता है कि इस तंगी पर सब्र करने की वजह से इंसान के इतने दर्जात बुलंद हो जाएं कि बहुत बड़ी बड़ी नेकियां भी उसके मुकाबले में हेच हों। फिर इसी तरह बाज़ुकात इंसान के लिए नाशुक्री रिस्क की तंगी का जरिया बन जाती है, तो उससे भी इंसान को परहेज करना चाहिए। खा इंसान के पास थोड़ा ही हो तो भी उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा। क्योंकि हर इंसान जिसके पास जितना भी है वो अमूमन कमी का रोना रोता रहता है, इसीलिए हमें ये सिखाया गया है कि रिस्क के मामले में हम यानी दुनियावी मामलात में अपने से नीचे वालों को देखें कि उनके पास क्या है। तो इंसान के पास जो कुछ भी हो, इंसान उस पर राजी हो सकता है, मुतमइन हो सकता है, खुश हो सकता है और अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हो सकता है। और ये हमेशा याद रखे कि असल में अर-रज़्ज़ाक तो अल्लाह ताला ही है। इसलिए जब भी रिस्क के मामले में किसी भी किस्म की कोई मुश्किल हो, ऊंच नीच हो, तो फौरन अल्लाह ताला की तरफ इंसान रुजू करे और अल्लाह ताला से खूब खूब दुआएं करे, क्योंकि वो दुआओं का सुनने वाला है, करीब उन मुजीब है, बहुत करीब है और हर बात का जवाब देता है। ऐसा नहीं कि वो इंसान की दुआ को नजरअंदाज कर देता है, और ये तो उसका खुद हुक्म है, वकाला रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कहता है कि तुम मुझसे मांगो तो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा।